आजादी 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 जातिवाद से आजादी मनुवाद से आजादी छुआ छूत से आजादी महिलाएं मांगे आजादी विकलांग मांगे आजादी दलित भी बोला आजादी मैं भी बोलूं आजादी तुम भी बोलो आजादी साथियों ने कहा कि ये ब्लाइंड स्टूडेंट है, इसको ना मारा जाए। पुलिस वालों ने कहा कि इसको साइड करो तब, और तुम लोग यहाँ से भागो। उन्होंने, मेरे दोस्तों ने मुझे इस भरोसे पर वहाँ छोड़ दिया कि पुलिस मुझे नहीं मारेगी। मुझे साइड कर दिया गया। उसके बाद साइड करने के बाद वो जो वहाँ गेट लगा था, उस जाली के रास्ते डंडा डाल के ऐसे ऐसे मारा गया। वहाँ पे जिस तरह का मारपीट किया गया वो भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। और ये मोदी जी भी सुन लें, जो उन्होंने किया है, एक बार एक दृष्टिबाधित ग्रुप पर इंदिरा सरकार ने लाठी चलवाई थी और इंदिरा सरकार को माफी मांगनी पड़ी थी। उस लाठीचार्ज के बाद आपको गद्दी छोड़नी पड़ेगी, सत्ता से आप हटेंगे, क्योंकि आप इस सत्ता के लायक नहीं है। आप दिव्यांग कहते हैं दिव्यांग, और ये देखिए क्या हालत बनाई आपके लोगों ने दिव्यांग की। एजुकेशन सिस्टम को हम बचाना चाहते हैं, इसीलिए हमारा जेएनयू का लड़ाई है। और ये सिर्फ जेएनयू का लड़ाई नहीं है, इस देश में जितना भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन है और जो फ्री एजुकेशन सभी को मिलना चाहिए, ये हमारा डिमांड है। और यहाँ पे जो 40-50% का जो स्टूडेंट है वो जो दबे कुचले कम्युनिटी से आता है, और यह जो अगर फी हाइक जो अगर लागू होता है तो वो उसको मजबूर होकर वापस जाना पड़ेगा। मेरा जैसा फैमिली में औकात नहीं है कि मेरे को यहाँ पे 7,000, 8,000 या 10,000 मेरे को पैसा भेजे वापस। मेरे जो फेलोशिप में से मुझे कुछ वापस भेजना पड़ता है। तब जब हमने अधिकार की बात करते हैं तब पुलिस हमारे ऊपर अत्याचार करता है और मारता है। ये कि नहीं कि हम लोग वायलेंट प्रोटेस्ट किया है, हम लोग सीधा शांति से हम लोग चल के मार्च कर रहे थे, तभी पुलिस जो है स्टूडेंट के ऊपर